हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी लिया है। और जो आज भिंडी बनाएंगे बिना लहसुन प्याज टमाटर की बनाएंगे। टमाटर तो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आपके यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे तो 140 रुपीज़ केजी है। तो भिंडी को मैंने मतलब धो लिया है, और धोने के बाद मैंने बीच से कट कर लिया इस तरह से। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। तो ये सूखी भिंडी बनाएंगे मसाले वाली, बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। इसे आप दाल चावल के साथ में खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे भिंडी को डाल दिया है। तो भिंडी को आप जैसा कट करना चाहते हैं, जैसे भरवा भिंडी बनाते हैं ना, उस तरह से भी आप कट करके तल सकते हैं। तो भिंडी को मैंने यहाँ पे दो तरह से कट किया है, एक तो बीच से फाड़ दिया है, और एक मैंने जैसे स्टफ्ड भिंडी बनाते हैं ना, उस तरह से भी मैंने कट करके छोटे छोटे पीसों में रखा हुआ है। तो जैसे कट करना चाहते हैं वैसे कट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो भिंडी बनाएंगे मसाले वाली बनाएंगे, और ये खाने में बेहद टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से सूखने देते हैं, एकदम ड्राई हो जाती है, तब तक हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं भिंडी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है और बहुत ही कम लग रही है, लेकिन मसाला हम उतनी ही क्वांटिटी में डालेंगे जितना हम 250 ग्राम भिंडी में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारी भिंडी तल चुकी है, तो अब यहाँ पे मसाले हम रेडी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे हमारी भिंडी जो है ना बहुत अच्छी तरह से तल चुकी है। अब यहाँ पे मसाले डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डालेंगे। ये जो भिंडी है थोड़ी स्पाइसी रहती है ना, तो खाने में मज़ा आता है। तो मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से भिंडी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पे आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। जीरा को हल्का सा भून लीजिएगा और उसको हल्का सा दरदरा कोट लीजिए, फिर उसके बाद डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। इसी के साथ यहाँ पे 1 टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर, बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। कोरिएंडर पाउडर की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है जब भी आप मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं। तो आधा छोटी चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। साथ ही यहाँ पे आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। कोई भी चाट मसाला आपके पास रखा है तो वो ऐड कर सकते हैं। चलिए इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर रखते हुए मसालों को अच्छे से भून लें, उसके बाद में आगे का प्रोसेस क्या है चलिए देखते हैं। तो भिंडी का मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है, तो इस समय पे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डालना चाहूँगी थोड़ा सा दही। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम क्रिस्पी भिंडी बनकर तैयार हुई है। अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आपको सौंफ का फ्लेवर पसंद है तो थोड़ा सा इसमें सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दही डाल देंगे। दही डालने से जो भिंडी का टेस्ट है ये बहुत ही बढ़िया आता है, आप डाल कर देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें खटाई जो है ना हमने अमचूर पाउडर की थोड़ी सी यूज़ किया था, इसलिए इसमें थोड़ी सी दही डाल दिया है। दही डालने से हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी भिंडी, उसके साथ साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। आप डाल कर देखिए और इस तरह से भिंडी बना कर देखिए, सच मानिए सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी ना कि बार बार इसी तरह से भिंडी आपसे बनवाएंगे। और ये लीजिए यहाँ पर दही भी जो है अच्छी तरह से मतलब कि भिंडी में मिल चुका है। तो दही डालने के बाद में इसे 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए अच्छी तरह से भिंडी को पकने दें, ताकि इसका मसाला जो है भिंडी में अच्छी तरह से मिल जाए। तो गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, लो फ्लेम पे ही भिंडी को अच्छी तरह से हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग दही डालना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर क्रिस्पी भिंडी रखना चाहते हैं तो जिस समय पे मैंने दिखाया था मसाला मिलाने के बाद में, उस समय पे आप गैस के फ्लेम को बंद कर सकते हैं। बहुत ही एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी भिंडी आपकी बनकर तैयार होगी। तो लीजिए यहाँ पे हमने दही डाला था, उसके बाद में 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकने दिया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। तो लीजिएगा यहाँ पर हमारी एकदम मसालेदार भिंडी बन के तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की मेरी इजी क्विक रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट रेसिपी के साथ में इसी समय।